गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज है तिलक का दिन और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मेरे पीछे मामू जी और सोहन लेकर के सब तैयार है। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट सब्जी मंडी, वहां से बहुत सारी सब्जियां लेके फटाक से आएंगे, तैयार होंगे और आपको पूरा तिलक का फंक्शन दिखाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए और नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मस्त हम लोग गाड़ी को दौड़ाते दौड़ाते पहुंच जाते हैं सब्जी मंडी, जहां पे आलू प्याज गोभी तरह तरह का सब्जी खरीदने लगते हैं, जिसको उठा के बोरा में भर के और गाड़ी में डालने में इतना भारी रहता है कि मेरा और सोहन का हालत खराब हो जाता है। लेकिन भैया का शादी है, काम तो करना पड़ेगा। तो इतने भरे भरे 100-100 kg के बोरे को गाड़ी में ठूस देते हैं और झटपट सारा सब्जी खरीद लेते हैं। सब्जी वगैरह हम लोग खरीद लिए, पीछे का हाल देख लीजिए, पूरा गाड़ी भरा हुआ है, मेरा यहाँ पे पैर के नीचे रखा हुआ है। तो सारा सब्जी उब्जी का शॉपिंग हो गया है, काम कंप्लीट करना था 8 बजे तक, लेकिन अभी घड़ी में समय हो रहा है 9:45, हमें लग गया टोटल 2 घंटे सारा सामान खरीदने में। अब लेके फटाफट जा रहे हैं, सारा सामान देंगे एंड फिर तिलक की तैयारी, उसके खाने की तैयारी की शुरुआत हो जाएगी। घर पे रख दिए, बहुत भारी भारी था, देख रहे हैं पूरा देह हाथ गंदा हो गया है। और अभी जा रहे हैं डुगडुगिया से, इसमें थोड़ा डीजल डलवा देंगे एंड उसके बाद दूध पानी वगैरह सब लाना है, वो सब ले आने। तो हम और सोहन जा रहे हैं, बाकी भैया लोग सामान उतरवा के वहाँ पे हलवाई से सब्जी उब्जी बनवा रहे हैं। तो ये चीज़ लेके जाना है एंड इसके बाद जो तिलक में गेस्ट आएंगे उनके लिए हम लोग पैकेट बनाते हैं, जिसमें 5-6 तरीके का मिठाई, 2-3 नमकीन वगैरह रहता है। तो यहाँ से दूध वगैरह लेके जाएंगे, वो रखेंगे, उसके बाद पैकेट में भर जाएंगे। तब तक हमको लगता है जितने मेहमान गेस्ट हैं उन लोगों का आना शुरुआत हो जाएगा, तो फिर उन लोग के खातिरदारी में लग जाना है। और उसके बाद आपका भाई मस्त सूट पहन के रेडी होगा, तो देख के बताइएगा कैसा लग रहा हूँ मैं। बस अब चलते हैं, डीजल भरवाते हैं और फिर फटाफट दूध लेके जाते हैं। दूध ले लिए और पानी ले लिए, पनीर ले लिए, दही ले लिए, अब जा रहे हैं हम लोग घर की तरफ डुगडुगिया से। अब घर जा कर के सारा चीज़ हलवाई के हवाले कर देंगे एंड इसके बाद हम लोग लग जाएंगे पैकेट बनाने। करीबन 200-250 पैकेट बनाना है, पैकेट जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था, मिठाई फिर उसमें नमकीन वगैरह डाला रहेगा, उस सब की तैयारी में लग जाएंगे और उसके बाद तुम्हारा भाई मस्त रेडी होगा। यहाँ पे सब बच्चा पार्टी लग गया पैकेट बनाने के लिए। जैसा मैं आपको बताया था कि जितने भी बाराती आएंगे, मतलब लड़की के तरफ के आएंगे प्लस गांव वाले आएंगे, तो उनको नाश्ता दिया जाए, जिसके अंदर 4-5 तरह का मिठाई होगा, 2 तरह का नमकीन होगा। तो उसके लिए भी सब बच्चा लोग पैकेट पैक कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी ये है अन्नी और फिर आयुष, सब बच्चा लोग मस्त पैक कर रहे हैं। तो फटाफट इन लोग से पैक करवाते हैं और इसमें जब मिठाई और बाकी सारा सामान डलवाएंगे तभी दिलाएंगे। अभी सिंपली डब्बा पैक होके साइड में गिनती करके ऐसे थप्पी लग के रखा जाएगा, उसके बाद जब हलवाई सब बना लेगा तो एक एक करके सारा मिठाई सारी चीजें लगा देंगे और तिलक के टाइम सारा चीज बांटा जाएगा। और चाची लोग को भी खिलाएंगे। हाँ, बस आप लोग देख के एंजॉय कर लीजिएगा, आप लोग को तो क्या ही बोले, बस देख देख के एंजॉय कीजिए। टाइम आ गया डब्बा पैक करने के लिए, यहाँ पे देख लीजिए समोसा, मिनी समोसा, लिट्टी, मिठाई, इधर मिठाई, सब कुछ भरपूर है, हम लोग सब लगे हुए हैं पैकिंग में धनाधन, आयुष, अन्नी, छोटा बाबू।
गाइस मैं एकदम मस्त रेडी हो गया हूँ। काम करते करते देर बज गया था, लोग आ भी गए थे, फिर भी वो जो आपको दिखाए थे ना पैकेट, वो सब जल्दी जल्दी पैक कर रहे थे। इधर देखिए, मस्त पानी के लिए ट्रे में पूरा पानी सजा दिए। सबसे पहले ये सर्व करेंगे, उसके बाद जो पैकेट बना हुआ है वो सर्व करेंगे, उसके बाद चाय, फिर रस्म होगा एंड उसके बाद बैठा के खिलाएंगे। तो बाकी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, बने रहिए। और मेरा ये लुक कैसा लग रहा है वो एकदम बताइएगा, अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं मस्त सूट बूट पहन के खड़ा हो जाता हूँ अपने गांव वालों के साथ, जितने भी लड़की वाले आ रहे हैं उनका वेलकम करने के लिए। अब सोच रहे होंगे मैं वॉइस ओवर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम उतना लाउड म्यूजिक बज रहा होता है ना कि उसमें जो रिकॉर्डिंग किया हुआ वो डालूंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। फाइनली हम लोग सभी आदमी का वेलकम करते हैं और सब आदमी आ जाते हैं पंडाल के अंदर, चाहे वो लड़की वाले हैं, हमारे गांव के आदमी हैं, और ये हमारे प्यारे भैया जी अपने दीदी लोग के साथ आ रहे हैं स्टेज पे। आज होने वाला है दो फंक्शन, पहला होगा फलदान का और दूसरा होगा तिलक का। तो फलदान के लिए भैया ये स्टेज पे पहुंच गए एंड फलदान में ये रंग बिरंगे तरह के फल फूल आते हैं, मिठाइयाँ आती है, बर्तने आती है, और ये सारी रस्म होती है जो आप अभी देख रहे हैं। उसके बाद सभी बड़ों का आशीर्वाद लेके भैया चल जाते हैं घर में वापस, और हम लोग सभी आदमी को बैठा के खिलाने लगते हैं गर्मा गर्म खाना। एंड इसके बाद होगा एक और रस्म जिसको बोलते हैं तिलक। तो गाइस फाइनली सब आदमी को भोज खिला चुके हैं, अभी देख रहे होंगे एक दो आदमी बचे हुए हैं, सब आदमी को भोज हम और आयुष मिलके और भैया लोग हैं सब मिलके खिला दिए हैं। अब हम लोग का बारी है, सोचिए दोपहर का खाना है और अभी 5:30 बज रहा है, अभी हम लोग लंच करेंगे। एंड तिलक का फंक्शन हो गया, अभी फलदान बचा हुआ है तो अभी फलदान होगा, तो फटाफट हम लोग खा लेते हैं। फाइनली मेरा भी खाना पीना कंप्लीट हो गया और अब दूसरी रस्म की शुरुआत होती है, ये होता है तिलक, जिसके लिए भैया फिर माँ लोग के साथ आ जाते हैं स्टेज पे और पंडित जी एंड पंडित जी मस्त मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं, जिसके बीच में जितना भी रस्म और विद होता है वो सब होने लगता है। लास्ट में मम्मी भैया को चुमाने लगती है एंड इसी तरह ये भी एक तिलक का फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। एंड फाइनली कुछ टाइम फोटोग्राफी का था तो हम लोग फुल फैमिली खड़े होकर फोटोग्राफी करवा लेते हैं एंड फिर उसके बाद आज का फलदान का रस्म कंप्लीट हुआ। गाइस तिलक का फंक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब मैं सूट बूट खोलने जा रहा हूँ, क्योंकि काम कर कर के हालात ऐसा खराब हो गया कि अब मेरे में बोलने का भी पावर नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।